Hi, this is Zareen Khan. This is KK Menon. Main hoon Fawad Khan. And you're watching. And you are watching. You're watching. You're watching. And you're watching me on Bollywood Nazar. BollywoodNazar.com. 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 Hi, I'm Darshan Kumar. And you're watching Bollywood Nazar. और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिसने काफी कम समय में बॉलीवुड में अपनी एक नई पहचान बना ली, द हैंडसम टैलेंटेड एंड डैशिंग दर्शन कुमार दत्त। दर्शन, स्वागत है आपका बॉलीवुड नजर में। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका बॉलीवुड का सफर किस तरह स्टार्ट हुआ और किसने आपको इंस्पायर किया? मेरी फर्स्ट फिल्म है एक्चुअली एनएसटेन थी जो मैंने साइन की थी। उसके बाद एक्चुअली वो स्टार्ट नहीं हो पाई किसी कारण से, तो उसके बाद मुझे ऑफ़र हुई मैरीकॉम और मैं मैरीकॉम उमंग सर से पहली बार मिला उनके ऑफिस में। कुछ लुक टेस्ट हुए, देन उमंग सर से चांस मिला मिलने का, और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने हार्डली 30 सेकंड्स में मुझे बोला कि यू आर माय ऑनर। फिर उसके बाद कुछ और टेस्ट थे जो मुझे क्लियर करने थे, जैसे उसके बाद मुझे संजय लीला बंसाली सर से मिलना था, देन प्रियंका के साथ कुछ फ़ोटो क्लिक्स कराने थे ताकि हम लगें कि हाँ हस्बैंड वाइफ लगते हैं। देन वो टेस्ट क्लियर किए और उसके बाद मुझे मैरीकॉम मिल गई। देन मैरीकॉम स्टार्ट हुई, फिर एनएसटेन स्टार्ट हुई, मैरीकॉम रिलीज हुई, एनएसटेन रिलीज हुई, और नाउ आई एम डूइंग सरबजीत एंड मिर्जा जूलियट। सो तो क्या एक्टिंग आपका हमेशा से ही पैशन रहा है? हाँ, बचपन से बहुत फनी है। अब बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं कि मैं बचपन में ही कुछ कविताएँ लिखता था और मैं बहुत प्राइजेस जीता हूँ उसके लिए। मैं लिखता था और उनको परफॉर्म करता था स्कूल में, जो एक डिफरेंट थिंग है ना। एक चिड़िया के ऊपर मैंने लिखी थी, एक यू नो एक टैक्सी के ऊपर मैंने कविता लिखी थी, तो वो कविताएं मैंने परफॉर्म की और मैंने प्राइजेस जीते दिल्ली के अंदर रह के। सो मेरा बचपन से, मैं बचपन से कीड़ा था यू कैन से, एंड उसके लिए मेरी बहुत पिटाई होती थी, क्योंकि क्या था कि मैं फिल्में देखने का मुझे बहुत शौक था, और पहले आप जानते हैं कि एक सिस्टम होता था VCR, आपने सुना होगा। सो VCR हर जगह, हम लोग सबके दोस्तों के कान रहते थे कि किसके यहाँ आज VCR लगने वाला है और रात भर फिल्म देखने वाले हैं। तो ज़्यादातर सैटरडे को ही लगते थे वो, जब सैटरडे को हम लोग जाते थे और पूरी रात वहीं बीतती थी। सो एक बार का कुछ है कि वाक्य है कि हम लोग एक हमारे यहाँ फंक्शन होता था, वहाँ फंक्शन के लिए गए थे और मैंने बिना मॉम को बताए मैं चला गया वहाँ पर। उससे पहले भी मॉम मुझे बहुत बार पकड़ के ला चुकी थी, तो उस दिन उनको पता नहीं था मैं और मेरा छोटा भाई फिल्म देखने चले गए, तो वो मुझे वहाँ से पकड़ के लाई, खींच के लाई और मारती हुई ला रही थी। तो मेरे भाई तो यू नो, मैं जब भी पहले मारती थी तो मैं बहुत एक्टिंग करता था, आ मम्मी ये, आ मम्मी वो। सो उस दिन मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, तो वो कह रही इसको आज क्या हो गया, और ज़ोर से मार रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा था। सुबह का वक्त था कुछ, मैं 4-5 बजे उनको मिला पूरी रात ढूंढने के बाद, उन्होंने पता लगाया किस किस के यहाँ VCR चल रहा है। सो जब मैं घर पहुँचा, जब उन्होंने और मारा था, बोली ढीठ तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा, मैं तो और दिया गया। मैंने कहा मम्मी मर्द को दर्द नहीं होता। सो उस रात हमने मर्द फिल्म देखी थी, मर्द तांगे वाला। सो बचपन से फिल्मी हूँ और ये कीड़ा था। और फिर उसके बाद स्टेज मैंने किया, दिल्ली में ज्वाइन किया। कुछ लोगों ने समझाया कि अब आप सीरियसली सोच रहे हैं तो स्टेज क्यों नहीं ज्वाइन करता, तो मैंने एक्ट वन ग्रुप ज्वाइन किया दिल्ली में, मिस्टर एन के शर्मा का। उनसे भी बहुत सारी मार खाई क्योंकि मैं, और हाँ एक हिस्ट्री भी रची एक्ट वन ग्रुप में, कि जब भी उनके ग्रुप में आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ है कि कोई नया बंदा एंटर हुआ हो और उसे जाते ही मेन लीड उनका प्ले करने को मिल जाए। तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि हमारे जाटों में डबल ओ की मात्रा नहीं होती है, ओर होता है, सो होता है, औरत होती है, औरत नहीं होती, सो नहीं होता, और नहीं होता, तो मुझे समझ में नहीं आता था। वो कहते थे और बोल, वो कहता और। तो उसके लिए मेरी बहुत पिटाई हुई जमीन पे, लेट लेट के बोले चल आगे चल पेट के बल, और बोल और। उस टाइम बाद मुझे वो समझ में आया, तो उनके साथ मैंने प्लेस किए। देन मैं बॉम्बे आने का सोचा। सो काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया NSD ज्वाइन कर लो, लेकिन मैं एक्ट वन के साथ मैं 2-3 साल कर चुका था, मुझे लगा कि और टाइम से अच्छा मैं अगर बॉम्बे जाऊँ, क्योंकि मेरा सपना था मैं नसीर सर को ज्वाइन करूँ। देन मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया, और बॉम्बे आने के बाद मुझे लगा कि मैंने ट्राई किया नसीर सर के ग्रुप के लिए, जो ईजी नहीं था। वो बोल रहे हर किसी, जिनसे भी मैंने बात की, रिक्वेस्ट की कि उनके ग्रुप में एंट्री हो सकती, तो कहते थे अरे ये तो ऐसे है, उनके ग्रुप में एंटर होना जैसे भगवान के दर्शन होने, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। बट मैंने कहा चलो ओके। तो मुझे लगा तब, जब तक उनके साथ नहीं हूँ
तो कहीं तो मुझे थिएटर करना चाहिए, और तो मैंने नीना गुप्ता और राजेंद्र गुप्ता जी का ग्रुप ज्वाइन किया सहज, और साथ साथ मैं वहाँ ट्राई करता रहा, और फिर फाइनली एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उनके ग्रुप में हूँ, और पिछले 5-6 साल से मैं उन्हीं के साथ थिएटर कर रहा हूँ। सो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, तो तब से लेके बचपन से लेकर अब तक का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। ओके, तो घर वाले में से कौन आपको ज़्यादा सपोर्ट किया? आई थिंक जब मैंने यहाँ आने का डिसीजन लिया तो मेरे खानदान में कभी किसी ने नहीं सोचा था एक्टिंग के बारे में, और ना ही कुछ, तो मेरे डैड का सपना था कि वो एक्टर बने, लेकिन उन्होंने परस्यू नहीं किया, तो मैंने सोचा कि मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है, इफ यू वांट टू डू इट गो अहेड, बट अपना बेस्ट देना और सोच लेना जो करना है। सो यहाँ यू नो इतना ईजी नहीं होता बॉम्बे में आते ही कि आपको काम मिल जाए अगर कोई आपको गॉडफादर नहीं है। सो दैट वॉज द केस, तो मैं थोड़ा टाइम लग रहा था, तो एक बहुत ही कमाल इंसिडेंट है कि मैंने अपने डैड को फ़ोन किया, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स, मेरी सिस्टर और काफ़ी आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में मेरे जीजू हैं, तो वो बार बार मुझे कॉल कर रहे थे अगर तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा तो यू कम दे। सो एक बार होता है कि आप बहुत बार आपको कोई सामने से बोलो तो एक बार सोचते चलो ठीक है थोड़ा टाइम अगर मैं वहाँ दे दूँ तो। देन मैंने डैड को कॉल किया कि डैड व्हाट शुड आई डू, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ टाइम के लिए वहाँ चला जाता हूँ, देन आई विल थिंक अबाउट। पैशन तो यही था, सोच और कुछ सोचना नहीं था कि मैं वहाँ थिएटर ही कर लूँगा और साथ साथ काम भी करता रहूँगा। तो ही सेड थोड़ी दिक्कत किस चीज़ की, पैसों की? मैंने कहा नहीं, टाइम जा रहा है, ये जा रहा है। बोले इट्स ओके, टाइम तो सबको लगता है, तो गिव योर बेस्ट, कुछ नहीं तुम्हारा बाप यहाँ बैठा है, तेरे को खाने की कमी होगी तो मैं दूंगा, तू परस्यूअर करियर। और थैंक्स टू मेरे पापा कि आज मैं यहाँ हूँ। NH10 तो वैसे आपकी पहली रिलीज होने वाली थी, बट मैरी कॉम हो गई पहला। नहीं, वो एक्चुअली मैंने साइन पहले की थी, हाँ, तो किसी कारण से वो फिल्म रुक गई थी, हाँ, तो वो स्टार्ट लेट हुई और रिलीज भी लेट ही होनी थी, इसके बाद ही होनी थी। मैरी कॉम पहले ही होनी थी, क्योंकि मैरी कॉम की शूट मैंने पहले स्टार्ट कर दी थी। वही तो बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए थे मैरी कॉम ने आपके लिए, तो उसके बाद की जर्नी कैसी रही? बहुत यू नो एक जब अब क्या कि शोल्डर्स के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, जब आप काम अच्छा करते हैं तो आप बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं लोगों की कि अब इतना करा तो आगे क्या करेगा। सो दैट इज़ देयर, मेरे ख्याल से ये चैलेंज हर एक्टर के साथ है कि वो अपना बेस्ट देना उनको पड़ता है इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद। इस समय सिर्फ ये है कि अच्छी फिल्में करनी, चूज़ करनी है कौन सी करनी है, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। फिल्में ऑफर रोज़ होती हैं, टचवुड, ये ऊपर वाले का शुक्र है, लेकिन उनमें से क्या चूज करना है या और कौन सी उसमें जाना है। मेन हीरो, मेन हीरो नाउडेज यू नो दैट ऑडियंस चेंज हो चुकी है, और वो यू नो उनको कुछ डिफरेंट चाहिए, अच्छा चाहिए, और फिर एज एन एक्टर कौन सी चीज़ आपको किक करती है, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कि अगर लगता है कि हाँ ये पढ़ के लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट है, मैं अच्छा कर सकता हूँ, सो वो अभी चैलेंज रहता है कि अच्छी फिल्में करनी है और अपना बेस्ट देना है, और जितना अपने आप से निकाल सकें, लोगों को दिखा सकें बेस्ट अपने एज एन एक्टर, तो दैट वुड। तो सरबजीत आपकी सेकंड बायोपिक है एंड आपने NH10 जैसी मूवीज भी की है, तो व्हाट मेक्स डिफरेंट बायोपिक्स के लिए? सी बायोपिक्स और जो कमर्शियल फिल्म होती हैं, बायोपिक्स में एक बहुत डबल एज स्वॉर्ड होती है कि ना आपको यू नो स्पेशली अगर आप जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं वो आपके सामने है, राइट आजकल तो सर इंटरनेट का ज़माना है, आपने एक हमारे आप सब कुछ उसके बारे में पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे आप उसकी वीडियोस देख सकते हो, तो आपको पता है वो पर्सन वहाँ है, आप उसको ईजिली यू नो देख सकते हैं। सो तो उसमें ये होता है कि आपको जितना नज़दीक उस कैरेक्टर के जा सके उतना बेस्ट होता है, वही ऑडियंस को पसंद भी आता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है जो मुझे मैरी कॉम में फेस करने को मिला, कि मैंने कम से कम 12-14 किलो वेट कम किया उस फिल्म के लिए, और जो ऑनलर हैं वो फुटबॉलर थे, तो जब उन्होंने यू नो जब फुटबॉल जो होता है उनकी बहुत लीन बॉडी होती है, एक स्पेशल बॉडी लैंग्वेज होती है उनकी चलने की, फुटबॉलर्स की आपने देखी, वो कैच करनी थी, मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, एंड देन एक उनका एक बहुत ही वो बहुत कम बोलते हैं और बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, तो वो कैच करना था एक सबसे टफ काम था, वहाँ की लैंग्वेज को कैच करना, यू नो एक वो उनका एक एक्सेंट होता है, हर जगह का एरिया का एक्सेंट होता है। और बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था जब मुझे उसके लिए मिला टचवुड कि हम वो फिल्म दिल्ली में देख रहे थे मैरी कॉम की टीम के साथ, मैरी कॉम ने अपने गेस्ट बुलाए हुए थे जो मणिपुर से थे, और स्पोर्ट्स बॉक्सिंग के अलावा भी लोग थे काफ़ी जो मणिपुर से थे। जितनी बार मैंने थॉय बोला या जितनी बार भी मैंने जो लैंग्वेज का एक्सेंट बोला, क्या सीटियाँ बज रही थी हॉल में, आपको सुनना चाहिए था, तो मेरे लिए बेस्ट प्राइज था। तो ये यू नो एक डबल एज होता है कि आपको जितना क्लोज जा सके वो, और यही सेम फेस करने को मिल रहा है मुझे सरबजीत के अंदर। मैं इसमें एक पाकिस्तानी लॉयर प्ले कर रहा हूँ, सो इस वो यू नो एक
लॉयर की एक टिपिकल एक बॉडी लैंग्वेज होती है, language, yeah. और उनका बात करने का तरीका एक अलग होता है, ना उनका दिमाग आपसे बात कर रहे 10 चीज़ें और चल रही होती हैं पीछे. सो वो पोर्ट्रे करना, अगेन उमंग सर मुझे कुछ ऐसे खास रोल देते हैं जिसके लिए मुझे वेट कम करना पड़ता है एकदम, वो भी अवैश जी भी बिल्कुल पतले से हैं. मैं सोचा थोड़ी और बॉडी बना लेता हूँ, मैंने बनाई भी थी तो दोबारा मुझे 8-10 किलो इसके लिए कम करना पड़ा. एंड वो एक यू नो बहुत ही एक जिटरी कैरेक्टर होता है ना, जो फास्ट सोचते हैं फास्ट चलते हैं, वो उनका मुझे यू नो कैच करना था. उनकी एक बॉडी लैंग्वेज बहुत फास्ट है, तो वो कैच करने के लिए मैंने वो जीना स्टार्ट किया. स्पेक्स पहनते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे बात करते हैं, वो मैंने स्पेशली अवैश्यक के लिए किया. एंड देन सबसे टफ था लैंग्वेज अगेन पाकिस्तान में, या उर्दू के मैं काफ़ी प्लेस कर चुका हूँ टचवुड, थैंक्स टू नसीर सर, उनके साथ सीखने को मिला था. और उसका भी एक बहुत कमाल किस्सा है, मैं बताऊँगा अभी आपको. उर्दू जब मैंने उनसे सीखी थी तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि जब अवैश्यक का, तो वहाँ पर एक लैंग्वेज होती है उर्दू, उर्दू के साथ वहाँ पर पंजाबी का बहुत प्यारा टच होता है उर्दू में. या दैट्स अ ब्यूटी ऑफ यू नो दैट लैंग्वेज. वो बहुत ही एक अलग लहजे में बोलते हैं और बहुत सारे प्यारे प्यारे वर्ड्स यूज करते हैं. एक दो करके दिखाई. अब मैं इस फिल्म के डायलॉग अभी बोल नहीं सकता, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोई इंटरव्यू करेंगे तो बोल के दिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरे डायलॉग्स कुछ ऐसे हैं कि फिल्म की प्लॉट को रिवील कर दें. okay. तो जैसे एक यही है सिंपल, इसमें बहुत ही मिठास है. जैसे अभी आपने जो प्रोमो में देखा होगा कि इंसानियत होती है ना, तो वो इंसानियत नहीं बोलते, इंसानियत वाला रिश्ता है जी, पर अफसोस वो हमारे मुल्कों में चलता कहाँ है. तो वो बहुत ही एक हल्का हल्का टच होता है, एक डिफरेंट तरीके का बोलने का, तो वो कैच करना था. और वो थैंक्स टू यू नो उमंग सर, जिन्होंने थोड़ी हेल्प की. और मैंने उनके वीडियोस डाउनलोड किए यूट्यूब से, अवैश चेक के कैसे वो बोलते हैं, क्या लहजा है उनका बोलने का, किस वक्त पॉज लेते हैं. उनकी एक आदत है, वो शर्ट को बार बार ऐसे करते रहते हैं, यू नो एक उनका वो पैंट खींचते रहते हैं, कुछ कुछ एटीट्यूड है उनका जो मैंने कैच किया. वो किस वक्त पॉज लेते हैं, किस लाइन पे थोड़ा सा किस लाइन को खींचते हैं, तो वो बहुत टफ था. तो ये सब मैंने यू नो यूट्यूब के सारे, और उमंग सर ने जो वीडियोस अवैश शेख से मिले थे उनसे, उनके साथ वीडियो शूट किया था, वो लेके किया.